हेलो चलिए फ्रेंड्स, ज्योतिराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ पानी पूरी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चटपटे चटपटे तीखे तीखे बनाने जा रही हूँ। मुंह में पानी आ जाएगा, खाने के लिए रेडी हो जाइए। अब मैं जा रही हूँ बनाने, चलते हैं किचन में। और मैं अपने हाथों से बनाती हूँ घर में, मुझको काफी अच्छे से बनाने आते हैं, काफी सरल बनाती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं सिर्फ दो चीजों से। आइए, ये फ्रेंड्स मैंने ये तंदूरी रोटियों वाला आटा लिया है, जो तंदूरी रोटी बनती है। इसमें थोड़ा सा सूजी ले लिया है, सूजी, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये पूरा बाउल भर के आटा था, और ये देखो सूजी इतनी है। सूजी कम पड़ती है, चौथाई हिस्सा डाल सकते हो बस। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी को। थोड़ा सा सोडा डालूंगी, खाना सोडा है, ये बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, ये खाना सोडा है। ये खुला हुआ आता है, बेकिंग पाउडर आता है वो डब्बी में आता है, ये खुला हुआ आता है। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें। इसको फ्रेंड्स थोड़ा ही डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही, मैंने बिल्कुल थोड़ा इसमें। अब इसको सूखे में ही इसको अच्छे से मिक्स करना है, ना कि पानी डालने के बाद। इसमें पानी बाद में पड़ेगा। अब ये अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है, खाना सोडा, तंदूरी आटा और सूजी। फिर देखना फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे गोलगप्पे बन जाते हैं, काफ़ी इजी रहते हैं ऐसे गोलगप्पे। और ढेरों गोलगप्पे बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी होने वाली है। अब मैं ये पानी सादा डाल रही हूँ, ये कोई गर्म पानी नहीं है फ्रेंड्स। और अगर ये रेसिपी पसंद आए आप लोगों को तो ज्योति राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योति राज फ्रेंड्स के नाम से हमारा चैनल है, और रोज़ उसमें एक रेसिपी 11 बजे अपलोड हो जाया करेगी। अभी तक मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, मर्जी चाहते तो तब डाल देते थे, लेकिन अब मैं 11 बजे अपनी पर डे रेसिपी डाला करेंगे। अगर पसंद आती है, अगर आप लोगों को सरल लगता है तो एक बार बना के देखना, ये काफ़ी ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये कोई वैसा आटा नहीं लिया मैंने, नॉर्मल तंदूरी आटा होता है ये, और ये आटे के गोलगप्पे बन रहे हैं। और कमेंट करके बताना अगर अच्छे लगते हैं तो मैं सूजी के भी डाल देंगे। ये आटे के गोलगप्पे हैं, देखना फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी अच्छे से आटे को गूथ लिया है। और इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, काफ़ी अच्छा इसे गूथ लिया है मैंने, 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तुरंत मैं बेलना शुरू करूँगी। ये देखना फ्रेंड्स, मैं रिफाइंड डाल रही हूँ कढ़ाई में, मैं रिफाइंड में तलूंगी, मैं कढ़ाई में रिफाइंड डाल दे रही हूँ इसी में से बेल लूंगी मैं सारे। पहले इनको बेलूंगी, ये देखना मैं ये लंबा लंबा कर रही हूँ, और इनको बराबर साइज में इसकी लोई कट करूंगी। थोड़ा बड़ा छोटा भी हो जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा छोटा भी चलता है। ये देखना मैं ऐसे कट कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों को बनाने हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं आप लोग गोलगप्पे, काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं, देखना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैं ढेरों बनाती हूँ और बहुत जल्दी बना लेती हूँ घर पे ही खाने के लिए। काफी सरल तरीके से मैं जैसे बनाती हूँ ना, वो पूरा दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल भी वीडियो में स्किप नहीं करती हूँ, इसके पीछे आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये मैंने थोड़ा कढ़ाई से रिफाइंड ले लिया, एक चम्मच इसी से बेलूंगी, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं लिया मैंने, और मैं इसे थोड़ा सा लगा के इसे बेलूंगी, क्योंकि ये अच्छे से बेलने में भी नहीं बनेंगे ऐसे अगर सादे बेलेंगे तो। ये देखो मैं बेल दिए, और ये थोड़ी प्लास्टिक की सीट होनी चाहिए, वैसी सीट नहीं चलेगी, नॉर्मल पेपर नहीं चलेगा। आप फॉल डाल सकते हैं, फॉल चल जाएगी आपकी।
प्लास्टिक का ही लेना पड़ेगा। और ये मैं सारे बेल के डाल दूंगी ऐसे ही। फ्रेंड्स देखो मैंने ये सारे बेल के डाल दिए हैं, और जब तक मैंने कढ़ाई रख दी थी स्लो गैस पे रिफाइंड डाल के, और वो भी कढ़ाई भी रेडी है। देखो मैं अब इनको तलूंगी। ये देखो मैंने एक डाल के देखा था, उसमें काफ़ी अच्छे से कढ़ाई रेडी है भट्टी पे। ब्राउन होने तक मैंने इनको तला, और ये देखो मैं निकाल ली हूँ करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी गोल गप्पे। इसी तरीके से मैं सारे डालूंगी, और ये डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे करना होता है, थोड़ा सा इसमें डिप करना होता है अच्छे से फूल गया जाए। ये तेज गैस पे ही फुलाने पड़ते हैं, अगर आप फ्राई करें तो स्लो गैस कर सकते हैं, तेज गैस पे ही सेके जाते हैं। अब ये मैं ब्राउन कर रही हूँ, तो गैस स्लो कर दी है, तेज गैस पर डालते हैं, फुला देते हैं, फिर थोड़ी गैस धीमी कर देते हैं, अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। फिर ये काफ़ी सरल तरीका है ये फ्रेंड्स, अगर आप लोग घर पे बनाएंगे ये मैं गारंटी देती हूँ ये बिगड़ेंगे नहीं आपके गोलगप्पे। इनको एक बार बना के देखें, लेकिन प्लास्टिक का ही पेपर यूज करें, पेपर नॉर्मल नहीं चलेगा, उस पर चिपक जाते हैं। थोड़ा सा पूरी डालने के बाद ऐसे करके दबाना होता है, और काफ़ी अच्छे से तल जाता है, फिर काफ़ी अच्छे से फूल जाता है। देखो गोलगप्पे काफ़ी अच्छे फूले हुए हैं, और गैस स्लो भी करनी पड़ती है, तेज गैस पे काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं तल पाते हैं, क्योंकि फिर वो जल जाते हैं, जले हुए गोलगप्पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, गैस को स्लो भी करना पड़ता है। डालो तो तेज रखो, जब तलना शुरू हो जाए तो थोड़ा कम कर लो गैस को। और ये मैंने स्लो पे डाल दिए थे, इसके पीछे मैंने तल रहे हैं तो बढ़ा दिए गैस। इसकी 100% गारंटी है हमारी तरफ से, आपके गोलगप्पे बिगड़ेंगे नहीं। ये मेरा कढ़ाई से बाहर आ गया, अब मैं इसको कैसे उठाऊँ। ये मेरे पतिदेव जी खड़े हुए थे, इन्होंने उसमें पटक दिया है। पति देव को काफी जल्दी पड़ी है गोलगप्पे खाने की। जिसको बीवियां मिल जाती ना सब कुछ बनाने वाली, वो काफी उनका नसीब तेज होता है उन पतियों का। पतियों का भी तो धर्म होता है अपनी अपनी बीवियों को बना के खिलाने का, बीवियों ही का धर्म होता है। फ्रेश बन, थाली में रख लिया तो रुक जाओ। देखना फ्रेश यम्मी यम्मी करारे करारे गोलगप्पे खाइए। मैं इसमें से निकाल रही हूँ क्योंकि इस पे थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, तो मैं दूसरी प्लेट पर रख रही हूँ। यम्मी यम्मी गोलगप्पे, आइए फ्रेंड्स देखना करारे बन की आवाज आ रही है, और देखो हाथ से भी फोड़ के दिखा रही हूँ। गर्म है ये, थोड़ा ठंडा दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स ठंडा है गोलगप्पा। अब देखो फ्रेंड्स आप लोगों के पीछे मैं सारे गोलगप्पे तो बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे खाने भी हैं, और इसका पानी फ्रेंड्स आएगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा इसके पीछे से। देखो
क्योंकि मुझे ये खाने भी, लेकिन फिर भी मैं एक और फोड़ के दिखा दे रही हूँ। ये देखो गया, देखो, लेकिन मैं सारे नहीं फोड़ूंगी फ्रेंड, इनको मुझे खाना भी है। ये गोलगप्पे मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बना दिए हैं और इनको अब मैं खाऊंगी जाके। अभी पानी बनानी है, पानी मैं बनाऊंगी। और इनको ध्यान रखना, जब भी तलें तो लोहे की कढ़ाई में ही तलें, क्योंकि मैंने लोहे की कढ़ाई में तले थे ये। इनते नहीं अच्छे से फूल के आ जाते हैं। और तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले लो, सरसों ऑयल ले लो, जो भी आप पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। और अगर हमारे ये गोलगप्पे पसंद आते हैं आपको, तो ज्योति राज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको एक नई रेसिपी 11 बजे अपलोड हो जाया करेगी, देखने को मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई में ही तलें और गोलगप्पे काफ़ी अच्छे बनेंगे, करारे करारे। फ्रेंड्स मैंने कई आपको तोड़ को दिखा दिए, मैं सारे नहीं तोड़ सकती क्योंकि मुझे खाने भी हैं, टूट जाएंगे फिर मैं पानी किसे भरूंगी। और शॉर्ट की नेक्स्ट रेसिपी मिलेगी आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पानी और शॉर्ट दोनों ही बता देंगे। और इसमें जो भरते हैं, आलू बनाते हैं, कोई मटर डालते हैं, मैं आलू प्याज मिला के बनाती हूँ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और जब तक के बाय, टाटा।